अल्लाह के घरों से अल्लाह ताला रोजी रोटी देता है। और एक नुक्ते की बात याद रखिए, और इस जुमले पे मेरा सारा खुतबा इंशाल्लाह होगा, वो ये है, अगर हम मस्जिदों को उनके तमाम तर किरदार के साथ, मस्जिदों को उसके उनके तमाम तर किरदारों के साथ आबाद करेंगे, ये मस्जिदें हमें आबाद रखेंगी, ये मस्जिदें हमारे दीन और ईमान, हमारा अकीदा और मनहज, हमारे कौल और करार, हमारे अखलाक और किरदार, हमारी नस्ल, हमारी माँ और बहनें, हमारे मर्द और ख्वातीन, हमारे हर चीज की हिफाजत का जरिया बन जाएंगी ये मस्जिद, अगर वाकई माने में हम मस्जिद का रोल अदा करें माशरे में। इन्नल हम्दुलिल्लाह نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب حضرات گرامی خواتین ملت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النور کی آیت نمبر 36, 37 और 38 पढ़ी है। अल्लाह ताला ने सूरतुन नूर में आयतुन नूर के बाद, यानी वो आयत जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नूर का तस्किरा फरमाया, अल्लाह नूर उस समावाति वल अर्द, उस आयत के बाद यानी आयत नंबर 35 के बाद अल्लाह ताला ने अपने घरों का तस्करा फरमाया, यानी मसाजिद के बारे में, मस्जिदों के बारे में बयान फरमाया। कहा फी बुयूतिन अदिन अल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह ताला अपने उन घरों के बारे में जिन घरों में अल्लाह ताला के लिए इबादतें होती हैं, यानी मसाजिद के नाम को रोशन किया जाए,
मसाजिद के मकाम और मर्तबे को ऊंचा किया जाए और सुबह शाम उसमें अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह के इबादत के लिए काम किए जाएं। और जिनका ताल्लुक अल्लाह के मसाजिद से हो वो ऐसे मैदान कारजार होते हैं, ऐसे मर्द मुजाहिद होते हैं, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारा वला बाई, वो ऐसे मर्द हैं, ऐसे नौजवान हैं और ऐसे इंसान हैं, ऐसे ख्वातीन हैं जिनको तिजारत और कारोबार, दुनिया की झमेले और दुनिया की ये झंझटें उनको अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह तबरक ताला की याद से, इबादतों से गाफिल नहीं कर सकती है। चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, अल्लाह के घरों से ताल्लुक रखने वालों का ये मकाम होता है। और अल्लाह के घरों में काम क्या क्या है? अल्लाह के इबादत के साथ, अल्लाह के हक के साथ साथ व ईता इज़्ज़का, अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा किए जाते हैं, यहाँ ज़कात का इंतज़ाम होता है, बैतुल माल का सिस्टम होना चाहिए, अल्लाह के बंदों में खैर खाई, खैर सगाली, तालीमी, दावती, रिफाही, इस्लाही, खिदमत खल्क, अपनों में गैरों में एक काम मस्जिद से होना चाहिए और आखरत की तैयारी में लगना चाहिए। यखाफूना यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूबु वल अबसार, उस दिन से वो लोग डरते भी हैं जिस दिन आंखें थर्रा जाएं, पथरा जाएं और दिल कलीजा हलक को आ जाएं, परेशान हाल हो जाएं, ऐसे वक्त के लिए उस दिन की तैयारी में लगे रहते हैं, डरते हैं। और अल्लाह ताला ऐसों को बेहतरीन बदला देगा, अल्लाह ऐसों को बेहतरीन बदला देगा, उनके आमाल का अहसन से अहसन बदला देगा। लियज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू वयज़ीदहुम मिन फ़ज़ली, और अल्लाह ताला अपने फजल से कितना बड़ा चढ़ा कर देगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी रोटी देता है। मस्जिदों के हवाले से अल्लाह ने फरमाया, मस्जिदों की तामीर और तौसी के हवाले से फरमाया, मस्जिदों को आबाद करने के हवाले से फरमाया, मस्जिद के हमाचहत किरदार के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया। जहाँ अल्लाह के हक अदा हो, अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा हो, हमाचहत किरदार वहाँ पर हो, मल्टीपर्पस काम वहाँ पर हो, और ऐसे लोग अल्लाह के सिवा किसी से डरते भी नहीं हैं, आखरत की तैयारी में लग भी जाते हैं, और ऐसों को अल्लाह ताला बेहिसाब रोजी रोटी देता है। अल्लाह अकबर। आप गैरों की इबादत गाहों के पास चले जाओ, कोई मुसाफिर घंटों वहां चक्कर काटता रहे कोई पूछने वाला नहीं होता है। मस्जिद के पास कोई मुसाफिर एक से दो दिन दिखे, दो चार घंटा दिखे तो कोई पूछता है कहां से आए भाई, क्या परेशानी है, खाना खाए हो क्या? अल्लाह ताला यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह के घरों से अल्लाह ताला रोजी रोटी देता है। और एक नुक्ते की बात याद रखिए, और इस जुमले पे मेरा सारा खुतबा इंशाअल्लाह होगा, वो ये है, अगर हम मस्जिदों को उनके तमाम तर किरदार के साथ, मस्जिदों को उसके उनके तमाम तर किरदारों के साथ आबाद करेंगे, ये मस्जिदें हमें आबाद रखेंगी, ये मस्जिदें हमारे दीन व ईमान, हमारा अकीदा व मनहज, हमारे कौल व करार, हमारे अखलाक व किरदार, हमारी नस्ल, हमारी माँ और बहनें, हमारे मर्द व ख्वातीन, हमारे हर चीज की हिफाजत का जरिया बन जाएंगी ये मसाजिद, अगर वाकई माने में हम मसाजिद का रोल अदा करें माशरे में। हाजरे निगरामी, आइए इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद आगे बढ़ते हैं। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, जो कि सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, वो जो इलतलील अर्द मस्जिद व तुहूरा, सारी जगह, सारी सरजमीन, कुछ इलाका छोड़ के सारी सरजमीन मेरी उम्मत के लिए मस्जिद बना दी गई है ना, जहां कहीं भी ऐनमा अय्युमा रजुलिन मिन उम्मति अदरकतहु सलात, मेरी उम्मत में से किसी इंसान कहीं भी काम काज में फंसा हुआ है, ड्यूटी में है, कारोबार और तिजारत में है, जहां कहीं भी नमाज का वक्त हो जाए नमाज वहां पढ़ ले सकता है, तो फिर मस्जिदों को बनाने का हुक्म क्यों दिया गया भाई? कभी आपने सोचा है?
कहीं भी आप नमाज पढ़ ले सकते हैं। सिर्फ नमाजों के लिए अगर मस्जिदें बनाए हैं, मस्जिद का हक आपने अदा किया ही नहीं है। वो मस्जिदें जहां पर सिर्फ नमाजें होती हैं, याद रखो वो मस्जिदें तमाम तर हुकूक अदा करने से आपने तमाम तर हुकूक अदा ले अदायगी किसे आपने कोताही की है, आपने लिया ही नहीं है हक। उन मस्जिदों में आपको चाहिए कि तमाम तरह के हुकूक आप वहां से लिया करें, और ना कहीं भी वक्त हो जाए नमाज आप बना ले सकते, जमात आप बना ले सकते, नमाज आप पढ़ ले सकते हैं। फिर भी अल्लाह ताला के रसूल ने हुक्म दिया, वह अमरा बिना मसाजिद फिद्दूर, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है के महल्लों को आबाद करो, महल्लों को आबाद करने से पहले अल्लाह के घरों को आबाद करो। सलफ का ये तरीका रहा है, अपने घरों को आबाद करने से पहले अल्लाह के घरों को आबाद किया करते थे, अपने घरों की तामीर से पहले अल्लाह के घरों को तामीर किया करते थे। आप अंबिया के वाकयात देख लें, इन्होंने सबसे पहले अल्लाह के घरों को आबाद किया है। और आखिरी नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, अब मुहाजिरीन के लिए रहने के घर नहीं है, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, पहनने को लिबास नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अपने घरों को आबाद करने से पहले अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के घर की तामीर रखी है। सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक्वा मिन अव्वली यौम अहक्कु अन तक़ूमा फी, ऐ नबी वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवे पर रखी गई है, और कहा कि देखो ये अव्वल यौम जिस इलाके में तौहीद परस्तों की कोई मस्जिद आ जाए वहां से तौहीद की पहले दिन का आगाज हो जाता है, तारीख रकम होती है, छोटी सी मस्जिद रहती है, एक झोपड़ी रहती है, लोग उसको हटाने की कोशिश करते हैं, देखते ही देखते ही वो मस्जिद खलीलुल्लाह का रोल अदा करती है। याद रखो अल्लाह ने मिसाल दी है, अलम तर कैफ दरब अल्लाह मतलन कलिमतन तय्यिबा का शजरतिन तय्यिबा असलुहा साबित फरवा फिस समा तूती उकलहा लकुल हीन, कहा कि देखो तुमने कलिमा तय्यिबा की मिसाल पे गौर नहीं किया है, ये एक पौधे की तरह है जिसकी जड़ें मजबूत हैं और उसकी शाखें फैली हुई है, हर वक्त हर जगह हर तरह के मौसम में वो फल देता है। ये मस्जिद अगर तौहीद के मरकज हो इसी तरह से वो फलदार बन जाती है। हज़रे निगरामी, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्ले को आबाद करने से पहले, मदीने को एक माशरे में बेहतरीन इस्लामी सोसाइटी में तब्दील करने से पहले, आपने जहां पर कुबा में मस्जिद बनाई, चंद दिन वहां पर रुके तो मस्जिद कुबा आपने बनाई है, और फिर मदीना आकर सबसे पहले आपने मस्जिद नबवी की तामीर का बेड़ा आपने अपने सामने रखा है और उसको पार किया है। याद रखिए मेरे भाइयों, मालूम यह हुआ कि महल्ले को बसाने से पहले मस्जिदों को बसाना और आबाद करना चाहिए। आसरीन, और जहां पर यह मस्जिद नहीं है वहां बेदीनी और यानी फहाशी और दुनियावी उमूर मादा परस्ती गालिब हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर मस्जिद आबाद नहीं है या मस्जिद सिरे से है ही नहीं है, वहां के लोग मुर्तद हो रहे हैं, दीन से हट रहे हैं, बेदीन हैं, और जिनका ताल्लुक मस्जिद से है, जिस इलाके में मस्जिद अपने तमाम तर किरदारों के साथ आबाद हैं, वो इलाका आबाद है, वो इलाके वाले आबाद हैं, और उनके दीन और ईमान की हिफाजत का जरिया ये मस्जिदें बनती अल्लाह ताला बनाता है। इसीलिए याद रखिए मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए मस्जिदों के इन तमाम तर किरदार को सामने रखते हुए मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया है। हाजरीन, ये मस्जिद क्या है असल में? ये मस्जिद असल में पावर हाउस है, पावर हाउस है। जैसे एक सिटी में पावर हाउस होता है और मोहल्ले में वहां से पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई होता है हर घर में, वहां से जो बिजली सप्लाई होती है अंधेरों को दूर किया जाता है। याद रखिए मस्जिदें भी इसी तरह से पावर हाउस है, यहां से तौहीद का नूर फैलता है, यहां से अकीदे का नूर फैलता है, यहां से ईमान और मनहज का नूर फैलना चाहिए, यहां से तालीम और तरबियत रिफाई दावती खिदमत खल्क हर तरह के नूर यहां फैलना चाहिए, यहां से बड़ों में बूढ़ों में बच्चों में औरतों में अपनों में परायों में हर एक के घरों में रोशनी जाना चाहिए। याद रखिए ये मस्जिदों का किरदार है, ये एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। इसीलिए नबी ने फरमाया वो इंसान
वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है। रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों में लगा हुआ है, वो कहीं भी हो मस्जिद में आने की तड़प उसको होती है, वो क्या कहीं भी रहे मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र करता है। कहा कि कल कयामत के मैदान में जब अंधेरी हो, तारीकी हो, कोई छाया ना हो, कोई पानी ना हो, वहां पर याद रखी हौज़े कौसर से पीना नसीब होगा और अल्लाह का साया उसको नसीब होगा, उसको छाँव में मिले, रोशनी भी मिले, पानी भी मिल जाए, जिसका ताल्लुक मस्जिद से हो। अल्लाह अकबर, अदना सा ताल्लुक की वजह से इतना बड़ा फायदा है। मस्जिद अगर बना दें, मस्जिद की देखभाली करें, कितना बड़ा फायदा हो सकता है। हाज़रीन निगरानी, अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहिब तहफत अलअहवादी तिर्मिजी की शरह लिखते हुए कहते हैं, मोमिन और मस्जिद की मिसाल पानी और मछली है। पानी और मछली, मछली को पानी से निकालो तो तड़प जाए, बिलक जाए, सिसक जाए, वो जी ना पाए। मोमिन की मिसाल ही है। मस्जिद के बगैर मोमिन तुम कैसे जीते हो भाई, कैसे जीते हो, तुम्हारे ईमान को कैसे तकवियत मिलेगी, तुम्हें तालीम का सिलसिला कैसे आगे बढ़ाएगा और तुम्हारे अखलाक और किरदार कैसे सुधरेंगे। याद रखिए, आज मस्जिद नबवी में कॉलेज तक की तालीम होती है। नबी के जमाने से वो असाबे सुफा के दैन है, नबी के ये तरीका रहा है। मस्जिद से ही बेहतरीन तालीम, तरबियत, अकीदा, मनहज, हर तरह के नूर यहां से फैला है। याद रखिए, और मुनाफिक की मिसाल मस्जिद के साथ ऐसी है जैसे कैदी और कैद खाना है। कब उसको आजादी मिले मस्जिद से, बाहर चले जाए, मस्जिद में रहते हुए उसको तकलीफ होती है, घुटन होती है, थोड़ा खुतबा लंबा हो जाए, थोड़ी नमाज लंबी हो जाए, तकलीफ होती है, आखिरी वक्त में आकर भी इसको तकलीफ होती है, पहली सफ में बैठा हुआ पहले वक्त में आकर उसको तकलीफ नहीं होती है। याद रखिए मेरे भाइयों, हमें अपने ईमान और अकीदे का जायजा लेना चाहिए, हमारे आमाल का जायजा लेना चाहिए। ये मस्जिद और मोमिन और मुनाफिक की ये मिसाल है मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह के अल्लाह ताला ने ये कहा कि देखो, मस्जिदों को आबाद तो ईमान वाले ही कर सकते हैं, वरना मस्जिदों से दुश्मनी तो ईमान वाले कर ही नहीं सकते हैं। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। याद रखो, मस्जिदों को आबाद तो वही करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते, यौम आखरत पर ईमान रखते हैं। वकामस्सला नमाज कायम करते, वातज़्ज़का यहां पर भी मस्जिद के हवाले से अल्लाह का हक सलात और बंदों के हकूक जो है ज़कात का जिक्र किया है, दोनों की जरूरतें यहां से पूरी होती है। वलम यख्शा इल्लल्लाह और अल्लाह के सिवा किसी से ये डरते नहीं है। फासा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन और यही लोग हिदायत याफ्ता है जिनके ताल्लुक मस्जिद से होता है। माशरे में आप क्या कहते हैं, फुला आदमी मस्जिद को जाते हैं भाई, मस्जिद से ताल्लुक है, नमाजी है, अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। बेनमाजी भी सोचता है हाँ, अगर रिश्ता करना है, हाँ मस्जिद से ताल्लुक है इनके लड़के से, ये नमाजी, इससे रिश्ता करना चाहिए, इस लड़की से रिश्ता करना चाहिए। याद रखिए मेरे भाइयों, ये मस्जिद का किरदार है। और अगर आप आगे बढ़े थोड़ा और आगे बढ़े, देखें कि ये मस्जिद तौहीद का मरकज है। अल्लाह ने फरमाया, वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, ये मस्जिद अल्लाह के घर है, अल्लाह के सिवा किसी को या मत पुकारो। यानी अगर मस्जिदों को आबाद करोगे सही माने में, या तौहीद का पैगाम तुम आम करोगे, शिर्क की छुट्टियां हो जाएगी उस इलाके से, उस महल्ले से। और मस्जिद जहां पर तौहीद की बात हो, वहां पर आने वालों की जिंदगी में शिर्क नहीं, ताबीज नहीं, पलीते नहीं, कुछ नहीं है। वलम यख्शा इल्लल्लाह, उनको कोई कौवा नहीं डराएगा, कोई बिल्ली सामने से जाने वाली नहीं डराएगी, रास्ते में चौराहे में कोई अंडा अगर फोड़ दिया है, उसको अगर उंगल दिया है, वो डरेगा नहीं है, उसको चाहे कोई पलीते हो 24 घंटे में वो भरोसा नहीं करेगा। वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी से वो डरेगा नहीं है। याद रखो मेरे भाइयों, हर तरह के शिर्क से ये मस्जिदें और मस्जिदों के ये आबाद यानी दुरूस उसको बचा लेंगी। हाजरीन, वाकई माने में गौर करने के मुकाम है इन आयतों में, हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। हाजरीन, इसी तरह से मस्जिदों के किरदार को समझना चाहते हैं तो यह नूर का मरकज है। इसीलिए मैंने आपके सामने शुरू में जो आयतें पढ़ी है, अल्लाह तबरक ताला ने सूरतुन नूर में क्या फरमाया, फी बुयूतिन अदिनल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह के घरों के नाम को ऊंचा करो, नाम ऊंचा करो, बिल्डिंग ऊंची नहीं, नाम ऊंचा करो।
कि वहां से हर तरह के खैर का काम हो, खैर का काम हो, वहां पर अल्लाह की इबादतें हो, अल्लाह की इबादत सुबह शाम करें, हर वक्त करें, और हर तरह के फायदे वहां से होना चाहिए। और ऐसे लोगों के ताल्लुक से ही कहा ये मर्द है, रिजाल मर्द है, किसी से डरते नहीं है, हिदायत याफ्ता है, ऐसों को अल्लाह ताला रोजी रोटी से नवाजता है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये मस्जिदें वाकई मानी में अगर आप उनको आबाद करोगे, अल्लाह ताला इनको हमारे दीन और ईमान की हिफाजत का जरिया जरूर ब जरूर बना देगा, और ये बेहतरीन सरजमीन है। इसीलिए कहा कि देखो ये मस्जिद अल मस्जिद बैतु कुल तकी, हर तकी मुत्तकी आदमी का घर क्या ठिकाना क्या है, मस्जिद है। हाँ आप कहीं गए हुए हैं, मुसाफिर हैं, थके मानदा है, थकान से चूर हैं, आप आओ देखो, आप अगर ऐसी थकान में फाइव स्टार होटल में जाकर ऐसी बंगले में आपको सुकून नहीं मिलेगा, वो सुकून जो आप मस्जिद में आओ नमाज वजू बनाओ दो रकात नमाज पढ़ो, वो सजदा जिसमें आपको सुकून मिलेगा, सुभान अल्लाह फाइव स्टार होटल में सुकून आपको नहीं मिलेगा। याद रखिए मेरे भाइयों, वाकई माने उसके लिए दिल में ईमान हो और तकवा हो, परहेजगारी हो, बैतु कुल्ली तकी, हर मुत्तकी का घर है ये। और अल्लाह अकबर, एक दूसरी रिवायत तबरानी की है, उलमा ने उसके सनद को सिका करार दिया है, ये कहा जिस तरह से आसमान के सितारे हैं ना, ये सितारे चमकते हैं तो जमीन में रोशनियां होती है, जमीन के सितारे क्या है, कहा कि ये मसाजिद है, मसाजिद है, कमा तुदियो नुजूम समा अहले अर्द, जिस तरह से आसमान के सितारे जमीन वालों को रोशनी देते हैं, ये मस्जिदें जमीन के सितारे हैं, यहां से रोशनियां फैलना चाहिए, ये आसमान वालों को रोशनियां देती हैं। सुभान अल्लाह, हमें मस्जिद का ये किरदार अदा करना चाहिए। हाजरी निगरामी, मस्जिद की ये जो हमाजहत किरदार है, इस किरदार को हम कैसे अदा कर सकते हैं, सबसे पहले हम मस्जिदों को आबाद करें। मस्जिदों को आबाद करने के लिए हमें क्या करना है, मस्जिदों की तामीर करना है ना, मस्जिदों की तामीर करना है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैंने एक जुमला कहा कि मस्जिदों को तुम आबाद करोगे, ये मस्जिदें हमें आबाद रखेगी। नबी ने क्या फरमाया, आखिरी जमाने की अलामतों में से आपको मैं तीन हदीसें बताकर उसको जोड़ने की कोशिश करता हूं। नबी ने फरमाया आखिरी जमाने में काबे को ढा दिया जाएगा, मस्जिद नबवी वीरान हो जाएगी, है ना, मस्जिद नबवी वीरान हो जाएगी। और तीसरी हदीस यह है कि कयामत सबसे बदतरीन लोगों पर कायम होगी, है ना, सबसे बुरे लोगों पर कायम होगी। क्या मतलब है, मस्जिद के ताल्लुक, हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से है कि नहीं है, इसका रुख किस तरफ है, काबे की तरफ है ना। हाँ याद रखो, ये दो अहम मसाजिद हैं, जब इन दो मस्जिदों को ढा दिया जाए कयामत आने लगे, याद रखो मस्जिदों को ढाना कयामत को दावत देने के बराबर है, मस्जिदों को आबाद करना दुनिया को आबाद रखने के बराबर है। और जब मस्जिदें ढा दी जाए, मस्जिदें वीरान हो जाए, मस्जिदों में अल्लाह की बातें ना हो, बुरे लोग रह जाएंगे, और बुरे लोग जब रह जाएंगे कयामत आ जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हाजरीन अब पैगाम क्या है, अगर हम अपने दीन और ईमान की हिफाजत चाहते हैं, आज नई नस्ल बेरा रवि के शिकार है, हाँ ड्रग्स के आदि है, बेरा रवि में है, किसी पे दिल आ गया उसके बाद वो दिल बर्बाद हो गया। याद रखो मेरे भाइयों, इन सब की आप हिफाजत चाहते हैं मुआशरे में, मोहल्ले को आबाद करने से पहले आप मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिद बनाया करो। और मस्जिद बनाने के लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, अल्लाह के रास्ते में आपको खर्चा करना पड़ेगा, जो अल्लाह के रास्ते में तंगी में परेशानी में खर्चा करें, याद रखो मेरे भाइयों उनका बड़ा ऊंचा मुकाम है। ऐसे लोगों को मुत्तकी कहा गया, हदीस को जोड़ लें, क्या कहा, मस्जिद हर मुत्तकी का घर है, मस्जिद बनाने के लिए खर्चा करें तो वो मुत्तकी है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है वसारियो इला मगफिरत मिन रब्बिकुम व जन्ना, आगे बढ़ो अल्लाह ताला की मगफिरत और जन्नत की तरफ, गुनाह किए हो मगफिरत चाहिए जन्नत चाहिए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है जन्नत की तरफ मगफिरत की तरफ। वो जन्नत कैसी है, अर्दुह समावात वल अर्द, जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान और जमीन जैसी है, उसकी उसात को आप खत्म नहीं कर सकते हो, जन्नत के एक दरख्त के साव की उसात इतनी ज्यादा है, 40 साल तक के घोड़े को दौड़ाया जाए
जहां तक जाए जन्नत की एक दरख्त की छाव की उसत उतनी ज्यादा है, जन्नत की उसत कितनी होगी। आखिर में जाने वाले जन्नती को अल्लाह ताला जमीन दुनिया की जमीन जैसे 10 गुना जमीन अलाट करेगा। ऊंचे दर्जे की जन्नती को अल्लाह ताला कितना ऊंचा मुकाम देगा आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसी जन्नत की तरफ आगे बढ़ो। उइद्दत लिल्मुत्तकीन, अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नत को मुत्तकी लोगों के लिए तैयार कर रखा है। मुत्तकी कौन है? अल्लादीना युन्फिकूना फिस्सर्रा वद्दर्रा। मुत्तकी लोगों की पहली सिफत देखो, मोमिन बखील नहीं होता है। बखीली अच्छी चीज नहीं है, जिसको बखीली से बचा लिया गया वही कामयाब इंसान है। वमन युक़ा शुहा नफ्सी फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून। बखीली अच्छी बात नहीं है, जिसको नफ्स की बखीली से बचा लिया गया वही कामयाब है। नबी ने कहा बखील के माल को किसी हादिसे के खुशखबरी सुना दो, हादिसे के शिकार हो गया, सेंध सेंध के रखा था, खर्चा नहीं किया, हादिसे के शिकार होके कोई लुटेरा आया लूट के लेके चला गया, या नहीं तो वो मर गया, वारिसिन का हिस्सा, पता नहीं वारिसिन क्या करेंगे, आपके लिए सदका करेंगे कि नहीं करेंगे, आपके लिए नेकियां करेंगे कि नहीं करेंगे, आप करो आपके पास मौजूद है। याद रखो बखील इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। अल्लादीना युन्फिकूना फिस्सर्राई वद्दर्रा, जो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में खुशहाली तंगहाली बदहाली हर सूरत में अपने अपने हद तक वो खर्चा किया करते हैं। अल्लाह ताला ये नहीं देखता है, अल्लाह ये नहीं देखता कि कितना दिया है, अल्लाह देखना चाहता कैसे दिया है। हाँ मैं तो मस्जिद के जिम्मेदारों को भी कहता हूं, देखो ये जो 5 रुपये 10 रुपये के कॉइन सर नोट है ना, आप इनको हकीर ना समझो, ये बरकत का जरिया है। देने वाले ने 5 रुपया दिया है, सोचो उसकी आमदनी कितनी होगी, उसके बावजूद उसने ये दिल बड़ा करके जो दिया है ना, ये सबसे बड़ी बात है मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जैसुल उसरा, उसरा यानी एक तंगी वाला एक वाकया आया, यानी जंग पे निकलना है। बहुत तंगी का वक्त था, मुसीबत और परेशानी का वक्त था, और वक्त के सुपर पावर के साथ लड़ना था। गजवाए मौत तक की बात है। आपने कहा खैरात करो सदका करो अल्लाह के रास्ते में, लोगों के पास नहीं है। एक सहाबी इतने से मुट्ठी भर खजूर लेकर आए, अल्लाह के रसूल ने उसको सबसे ऊपर रखा, कहा कि देखो ये मुट्ठी भर नहीं है, ये तो एक तौदों के बराबर है, इसलिए कि जिसने आगाज किया है अल्लाह अकबर सबको उसका सवाब मिलेगा, सबको उसका सवाब मिलेगा। सारियों इला मगफिरत मिन रब्बिकुम व जन्ना, अल्लाह की मगफिरत और जन्नत की तरफ लपको, आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने मौजूद है। वह इद्दत लिल मुत्तकीन, जिसको अल्लाह ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयार किया है। मुत्तकी कौन है? अल्लादीना युन्फिकूना फिस्सर्रा वद्दर्रा, जो अल्लाह के रास्ते में हर सूरत में खर्च करते हैं अपने बिसात के हद तक। सूरह बकरा पढ़ें। अल्लाह ने कुरान के बारे में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदा लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है ना। किसके लिए मुत्तकी कौन है? अल्लादीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, वो जो ईमान रखे सलात की पाबंदी करते हैं और इसी तरह से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाहु अकबर। याद रखे मेरे भाइयों, मक्के में मुसलमान परेशान हाल थे, तंगहाल थे और बहुत ही परेशानी के हालत में थे, बेसरो सामानी के आलम में थे। ऐसे वक्त में भी अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। चुनांचे इब्तदाई दौर की बात है, जब नबी के बारे में शाहिर हिराकल ने सुना, अबू सुफियान को पकड़ के लाके पूछा तुम्हारे अंदर जो नबी आए हैं वो क्या तालीम देते हैं? सही बुखारी की दूसरी हदीस है, बहुत लंबी हदीस है, उसमें ये भी है काना यामुरुना बिस्सिद्दिकी वस्सलाति वस्सदकती वलआफाफ, वो हमें हुक्म देते हैं सच्चाई के, नमाज के साथ और इसी तरह से इज्जत व इफ्फत की हिफाजत और सदका तो खैरात का भी हुक्म देते हैं। अल्लाह अकबर। याद रखो मेरे भाइयों, मुसलमान हर हालत में हर वक्त में अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला बनता है। बखीली अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि बखीली करने वाले और खर्च करने वालों के लिए एक हदीस सुन ले, से बुखारी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर सुबह सवेरे दो फरिश्ते नाजिल होते हैं और ये दोनों फरिश्ते एक ये दुआ देते हैं, एक ये दुआ देते हैं, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन
खालाफा। ऐ अल्लाह ताला अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को बेहतरीन बदला दें। और एक फरिश्ते बद्दुआ देते कहते हैं अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह ताला बखीली करने वालों के माल को बर्बाद कर दें। आप तहिया करो, इरादा करो कि आप किन लोगों में शामिल होगे। ये फरिश्ते की दुआ लेने वालों में या फरिश्ते की बद्दुआ लेने वालों में अल्लाह के रास्ते में कुछ ना कुछ विसात भर खर्च करके जाएं। याद रखिए मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मालदार नहीं थे। आप पर जब पहली वही नाजिल हुई, डर पे हुई खदीजा के पास आए और कहा कि मुझे तो जान निकलने का डर हो रहा है। खदीजा ने कहा नहीं, अल्लाह आपको जाये नहीं करेगा। आप भी अपने आप को जाये होने से बचाना चाहते हो, अल्लाह के साथ साथ अल्लाह के बंदों के हक को अदा करो और साथ साथ अल्लाह के घरों को आबाद करो। अल्लाह आपको जाये होने से बचाएगा, अल्लाह आपके गाइबी तरीके से हिफाजत फरमाएगा। याद रखो मेरे भाइयों, खदीजा ने क्या कहा, कल्ला अबशिर हरगिज़ नहीं, खुश हो जाओ, फवल्लाही ला युख्ज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको सलील और रुस्वा जाए बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए कि वल्लाह इन्नका लतसिलुर रहीम, आप सिला रहमी करते हो, उसके लिए खर्चा करना, तस्दुकुल हदीस से ये बात कहते हो, तहमिलुल कल दूसरों के बोझ उठाते हो, खर्चा करना है, और तुक्सिबुल मादूम और जिसके पास नहीं आप कमा कर उनको देते हो, यह भी खर्चा अल्लाह के रास्ते में, और तकरीर दायब मेहमान नवाजी करते हो, यह भी खर्चा करना पड़ता है। वो तो इन वाला नवाई बिल हक, और हक का साथ देते हो, हक के रास्ते में आप डट जाते हो, साथ देते हो, हक की बात जहां पर भी हो। अल्लाह ने कहा अल्लाह के रसूल के बारे में खदीजा ने कहा अल्लाह आपको जाए नहीं करेगा। याद रखो ये औसाफ अबू बकर के अंदर थे, तो एक गैर आकर अबू बकर जब हिजरत करके मदीने से जाने लगे, कहा कि अबू बकर मिसल का या अबा बकर ला यखरुज वला युखरज, तुम्हारे जैसे आदमी ना यहां से अपनी मर्जी से जा सकते हैं और ना ही कोई निकाल सकता है। इब्न दुगन्ना ने कहा मैं तुम्हें पनाह देता हूं, तुम आ जाओ, इसलिए तुम्हारे अंदर ये औसाफ है, गैर आकर आपकी हिफाजत करेंगे, बशर्ते कि ये काम तुम किया करो। हाजरीन वाकई माने में अल्लाह के रास्ते में खर्चा करने से अल्लाह कितना बड़ा चढ़ा कर देता है। आपने वो आयत सुनी है, अतल्लदीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च करते हैं अल्लाह तआला इतना बड़ा चढ़ा कर देता। मिसाल देते हुए फरमाया कमसाली हब्बा, एक दाना है, अम्बत सबा सनाबिल, एक दाने ने सात दाने को उगाया है, कोम्पल उगाया है, और फी कुल्ली सुंबलत मिया तो हब्बा, एक कोम्पल में सात दाने, सौ दाने, याद रखिए ये सात सौ हो गया, एक से सात और एक एक में सौ, सात सौ, अल्लाह ताला सात सौ गुना बढ़ के देता है। इतना ही खत्म नहीं हुआ है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता बड़ा चढ़ा कर देता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से हर तरह के खैर के रास्ते अल्लाह ताला खोल देता है। फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक बिल हुस्ना फसनयुसिरुहु लिल युसरा, हर तरह की आसानी फराहम करता है, अल्लाह ताला के गैज़ गज़ब को कम किया जाता है, बुरी मौत से अल्लाह बचा लेता है और बीमारियों से अल्लाह ताला शिफा देता है। नबी ने फरमाया दाउ मर्दाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज सदके से किया करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मैंने बारह वाकया सुनाया, अब्दुल्ला बिन मुबारक के सामने आया कोई आदमी, कहा कि मेरे घुटने से पानी रिसता है, कहा कुआं खोद दो जहां जरूरत है, कुएं से पानी आ गया और यहां घुटने से पानी रिसना बंद हो गया। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से अल्लाह का गैज़ो गज़ब कम होता है, बीमारियों से शिफा मिलती है, बुरी मौत से बच जाता है, बहुत सारे फायदे वाला ये काम है और आखिरत में अल्लाह ताला बहुत बड़ा चढ़ा कर देता है, दुनिया में भी है आखिरत में भी। सही मुस्लिम की हदीस है, बादल से आवाज आ रही थी इश्क हदीकता फुलान, फुला आदमी के बाग को सैराब करो, कहीं बारिश नहीं, एक आदमी के बाग के ऊपर बादल गया सैराब करके चला गया। एक आदमी ने सुना, सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं,
और उस बाग के मालिक के पास गया, कहा कि भाई तुम क्या करते हो, मैंने बादल में तुम्हारा नाम सुना, इसके हदीकता फुलान फुला आदमी के बाग को सैराब करो। उसने कहा कि फसल को तीन हिस्सों में तकसीम करता हूं, एक अल्लाह के रास्ते में निकाल देता हूं, एक अपने लिए, एक आइंदा के लिए रख लेता हूं, ताकि इसकी खेती बाड़ी दोबारा कर सकूं। कहा कि यही वजह है जो अल्लाह के रास्ते में तुम देते हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता है। और एक वो एक बाग है जिसको अल्लाह ताला ने असहाबुल जन्ना कहा, सुरन कलम में है ना, सुरानून में कलम में, कि वो बाग वाले बाप दिया करते थे हर साल, औलाद ने कहा हम नहीं देंगे, तो अल्लाह ताला ने क्या किया है, उसको बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया। हाजरीन अब समझते रहे, जानते हैं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बड़े फवाइद हैं, और इन खर्च करने के जगहों में अल्लाह के घर को अगर आप आबाद कर रहे हैं, अल्लाह के घर को अगर आप आबाद कर रहे हैं, अल्लाह के घर में खर्चा कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है, क्या बेहतरीन सदका है। खास तौर से अल्लाह के घर के जमीन की खरीदारी अगर हो, आप समझ रहे होंगे आज मेरा टॉपिक था कि हदीस गदीर खुम के बारे में बयान करना था, वो कर्ज इंशाल्लाह अदा करूंगा, और मन कुंतु मौला फअली मौला उसकी हकीकत को बयान करना है, हम भी ये सब मानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है, और उसके लिए आज सारे के सारी चीजें बदल गई हैं। आज का ये जुमा का खुतबा, आज का चंदा था कियारपुरम में एक मस्जिद बनने जा रही है वहां के लिए, और बरसों से बहुत दिनों से लोग कोशिश में लगे हुए थे, गुज़िश्ता जुमा देना था किसी वजह से नहीं हो सका, आज तय था, फिर भी उनसे बढ़ के एक सख्त जरूरत थी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे मस्जिद खलीलुल्लाह के जिम्मेदारों को, इन्होंने हर एक के हर कठिन मौके पे साथ निभाया है। पड़ोस में मस्जिद अम्मार बनी है, आज आबाद है, याद रखिए मस्जिद खलीलुल्लाह का बड़ा रोल है, और यहाँ के जिम्मेदारों ने और यहाँ के कारकुनों ने बड़ा रोल अदा किया है। याद रखिए मेरे भाइयों, ऐसे ही मस्जिद खलीलुल्लाह के पड़ोस में एक मस्जिद बुपसंदरा हिब्बाल से करीब है, बुपसंदरा, जहां पर मैंने खुद जाती तौर पर बहुत दिनों से कोशिश की है, 12-13 साल से वहां कोशिशें चल रही है, कई जगह देखी गई, कई कोशिशें हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ वजूहत, कुछ ना कुछ वजह की बुनियाद पर नाकाम हो गई है, लेकिन अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहां एक मस्जिद इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर IIC के जेर एहतमाम, और आप जानते हैं IIC के हमा जहत किरदार, रोज़े अव्वल से ही अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी, तावती, रिफाही, इस्लाही हर तरह के काम में लगे हुए हैं, उलामाए किराम की निगरानी सरपरस्ती हासिल है, फदीलतु शेख अब्दुल अजीम मदनी हफिदाहुल्ला, फदीलतु शेख तारिक सौदागर मदनी हफिदाहुल्ला, और दीगर मशाइख के बैट भी आ गया है, इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने बातें आएंगी, शेख अब्दुल वकील मदनी हफिदाहुल्ला, शेख मंसूरुद्दीन मदनी हफिदाहुल्ला, शेख अब्दुल कदीर उमरी हफिदाहुल्ला, और दीगर मशाइख और उलामा सब की सरपरस्ती हासिल है, और जमात और जमीयत के साथ मिलकर रोज़े अव्वल से काम आगे बढ़ा रहे हैं। ये खुद एक कम्युनिटी सेंटर है, लेकिन याद रखिए इसके साथ साथ मस्जिद का बड़ा ऊंचा मुकाम है, बड़ा ऊंचा मुकाम है, जो सेंटर कभी उसके मुकाम को पहुंच नहीं सकता है। इसलिए इन्होंने मस्जिद के मुकाम को समझते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बुसंदरा में लबे सड़क यानी मेन रोड पर एकदम कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मेन रोड पे लबे सड़क कमर्शियल प्रॉपर्टी है और बेहतरीन लोकेशन है। ऐसी जगह पर उन्होंने तकरीबन 1100 स्क्वायर फीट जमीन ली है, बातचीत पूरी हो चुकी है, तकरीबन 1.5 करोड़ की लागत है, एक स्क्वायर फीट तकरीबन 14,000 के आसपास में, एक मुसल्ला 80,000 के आसपास में है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा बेड़ा है, और उसमें से तकरीबन आधी यानी 60 लाख सिर्फ 6 दिन में अदा करना है। क्या है? सिर्फ 6 दिन में, आज 6 तारीख है ना, 12 तारीख इस महीने की 12 तारीख को 60 लाख अदा करना,
और एक पैसा भी एडवांस नहीं किए। एक हफ्ता पहले ही बात हुई है, उसके बाद मालिक जमीन के मालिक ने कहा मेरी बहुत सख्त मजबूरी है, अच्छे इंसान को जजाए खैर अता फरमाए अल्लाह ताला। याद रखिए उन्होंने कहा कि मेरी सख्त मजबूरी, इसीलिए मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहा हूं ना नहीं देता था। दूसरे लोग आगे बढ़ के कह रहे हैं कि मैं 15,000 में देने वन शॉट में तैयार हूं, लेकिन आप मस्जिद के लिए कह रहे हैं इसलिए मैं 14,000 में आपको देने तैयार हूं, लेकिन मेरी एक गुजारिश है मुझे 60 लाख आप फौरन दे दीजिए, उसके बाद आप 2-4 महीना टाइम ले लीजिए। इसलिए मस्जिद के जिम्मेदारों ने उनको रखकर आपको, यानी मस्जिद अस्सलाम, अल्लाह करे सलामती का मरकज हो, मस्जिद सलाम बुसंदरा को आज मौका दिया है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये बेहतरीन एक मरकज नूर का सेंटर इंशाल्लाह बनेगा। आपसे गुजारिश है आप ताउन फरमाते जाएं, और वहां जब बहुत दिनों से कोशिश हो रही थी अल्लाह ताला कामयाब करे, रुकावटों को दूर फरमाए, हर तरह के फितने से अल्लाह ताला महफूज रखें। याद रखिए मेरे भाइयों, इसके लिए 1100 स्क्वायर फीट है ना, एक स्क्वायर फुट सिर्फ 13,750 है। यहां पर मेरे ख्याल से 2000 लोग हैं, 2000 अफराद हैं। अगर आधे आधे ले लें, आधे आधे यानी 7000 ले लें, अभी मसला हल हो जाएगा। और मस्जिद खलीलुल्लाह के मुसल्लीन का एक किरदार रहा अल्हम्दुलिल्लाह, कबूल फरमाए। आपने रमजान में तकरीबन 20-25 दिन में तकरीबन 60 लाख क्या 55 लाख के आसपास में आपने अदा किया है, अल्लाह ताला आपको जाय खैर अता फरमाए। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े मालदार नहीं है, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे भी है अकेला चाहे तो भी कर सकते हैं। आप आधा आधा कर लें, या नहीं तो अगर आधे अफराद एक एक स्क्वायर फुट ले लें, या नहीं तो एक एक मुसल्ला इनमें से ले लें, अभी मसला हल हो जाएगा। अभी आप इरादा कर लो, नेकी का इरादा करते ही आपकी नेकियां शुरू है ना, बाद में दे देंगे, अभी आप लिखा दो, आगे बढ़ के आ जाओ। और मैंने सोचा था कि शायद इस मैदान में मैं कोशिश करूं, क्योंकि मेरे पास माइक है, मैं ही आगे बढ़ के ले लूं, लेकिन मेरे से पहले भी एक खातून, लेडीज फर्स्ट, हाँ एक खातून आगे बढ़ गई है, एक तकरीबन 10 ग्राम के आसपास में चैन उन्होंने दे दिया मस्जिद सलाम को। अल्लाह उस खातून को सलामती अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाब करें, हर तरह के जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। और खवातीन से गुजारिश है, ये जेवरात वाकई माने में आपके दिल में जगह बनाते हैं। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को पा नहीं सकते हो जब तक अल्लाह के रास्ते में तुम सबसे पसंदीदा चीज को खर्चा ना करो। जिसको पसंद करते हो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के घर की तामीर कयामत तक ये जमीन हो, कितने नेकियां हैं हर एक के लिए आपका शुमार होगा। और कल कयामत के मैदान में अल्लाह के पड़ोसी बनेंगे ना, बनेंगे अल्लाह के पड़ोसी। अल्लाह कयामत के मैदान में कहेगा आईना जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ है? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरे पड़ोसी कौन है? कहेंगे आईना उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों की तामीर करने वाले कौन है, कहाँ है? वो मेरे पड़ोसी, उनको ढूंढ के लाओ। और नबी ने कहा कबूतर के घोंसले के बराबर अगर कोई अल्लाह की मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है अल्लाह उसके लिए महल बना देता है। अल्लाह के घरों का सपोर्ट करो, अल्लाह आपका सपोर्ट फरमाएगा। याद रखिये मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है कुछ ना कुछ आप देते जाएं, फरिश्तों की दुआ लेते जाएं। बहुत बेहतरीन इलाका है, दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है, वहां से अफराद यहां आते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मस्जिद सलाम की जमीन की खरीदारी के लिए, ख्वातीन से गुजारिश है आप भी रोल अदा करें सेवरात के जरिए, और ताउन के जरिए से आप इस मस्जिद का ताउन फरमाएं, ताकि ये बेड़ा पार हो। और इंशाअल्लाह के साथ से उम्मीद रखेंगे कि मस्जिद खलीलुल्लाह के स्टेज से जो बयान हुआ है इंशाअल्लाह 6 दिनों में ये 60 लाख हो जाना चाहिए। अल्लाह करे आमीन, अल्लाह करे आमीन। आप इरादा कर ले, तहिया कर ले, अल्लाह ताला देगा। इन्ना मालिकुल लिमा नवा, हर आदमी के लिए वही है जो नियत करता इरादा करता है। आप कोशिश करो, आगे बढ़ो, अल्लाह ताला देगा। हिम्मत मर्द मदद खुदा जरूर इंशाल्लाह शामिल हाल हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू दीन ईमान अहल आयाल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की जो भी परेशानी उनको दूर फरमा दे। अल्लाह जो कुछ मांगने से रह गया अपनी शान से नवाज दे। अल्लाह कब्र के सवालात में साबित कदमी अता फरमा दे। अल्लाह तो कल कयामत के मैदान में
नबी के दस्त मुबारक से हशर के मैदान में हौज़े कौसर से पीना नसीब फरमा दे, नबी की शफात और रफाकत के साथ जन्नतुल फिरदाउस के आला इल्लीकिन में जगह इनायत फरमाएं। और आज जो आगे बढ़ के ताउन करेंगे अल्लाह ताला सब के ताउन को कबूल फरमा और उनके माल में बरकत अता फरमा, जो माल दिए उनको कबूल कर लें, बकिया माल में बरकत दें, सेहत व आफियत के साथ रख, हर तरह के खैर से माला माल फरमा, दुनिया और आखिरत पे कामयाबी अता फरमा। अल्लाह तो मस्जिद सलाम को के लिए हर तरह की परेशानियों से रुकावटों से आज़ाद कर दें और ये मस्जिद वहाँ बन जाए, आबाद हो। अल्लाह ताला तो उसके लिए तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हमारे दिलों में इखलास और इलाहियत अता फरमा, हमारी गलतियों को खताओं का अल्लाह ताला तू गुज़र फरमा। आमीन। वाखुर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।